श्योपुर के विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के नामांकन से पहले रोड शो हुआ। इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। रोड शो विजयपुर सामुदायिक अस्पताल से सुनवाई तराहे तक निकाला गया और इसके बाद गणेश महाविद्यालय परिसर में सभा भी हुई, जिसको सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। रावत जी की जीत इसीलिए जरूरी है, हमारे सीताराम जी और तुरसन पाल आदिवासी ने जो कहा। आज अपने बीच में देखता हूं तो यहां लाइन से 3 हॉस्पिटल का उन्नयन हुआ, 2 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत किए गए और सहरिया के अलावा भी प्रधानमंत्री ग्रामीण और नगर विकास में 31,000 मकान पक्के देना। जोरदार अभिनंदन करो, अकेले इस श्योपुर जिले में गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाए सबका सपना होता है। बड़े लोग तो पैसे से खरीद लेते हैं, अब गांव के गरीब लोग कहां से लाए, नगर के गरीब लोग कहां से लाए, लेकिन क्या गरीब गांव का, क्या गरीब शहर का, सबके मकान पक्के देखने का सपना देखा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और 31,000 जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी सरकार। और इधर बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राजकुमार पटेल के नामांकन के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता और प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया सहित सचिन यादव, सज्जन वर्मा, विवेक तनखा और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान कई सारे नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीहोर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जीतू पटवारी के साथ ही कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नामांकन जब दाखिल हो रहा था तो कांग्रेस प्रत्याशी हैं राजकुमार, जो बुधनी से मैदान में। ऐतिहासिक जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहां तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पर, अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं। देखिए, मैं एक लंबे समय के बाद मुझे बुधनी में पार्टी ने अवसर दिया है। मेरा भावनात्मक लगाव है, 1985 से मैंने यहाँ के धूल खाई है यहाँ से, तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो बहुत ही भाव विभोर करने वाला पल है जब पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और आप जानते हैं कि लगभग 40 वर्षों से क्षेत्र का कोना कोना, एक एक गांव, एक एक घर मेरा छाना हुआ है और हर गांव में मेरे कम से कम 2-2 घर हैं। और सीहोर के बुधनी सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के चुनाव प्रचार में कार्तिक सिंह जुटे हुए हैं। भैरुंदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे कार्तिक सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी उनके लिए माँ है और वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी से नहीं जुड़े हैं। इसी के साथ ही उन्होंने परिवारवाद को लेकर कहा कि वो एक ही परिवार से 2 लोगों का चुनाव लड़ना ठीक नहीं मानते। मैं ऐसे कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा हूं जो पार्टी को अपनी मां मानते हैं, जो पार्टी से किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं तो केवल इस कारण कि ये पार्टी उनकी विचारधारा की है, ये भारत की विचारधारा की पार्टी है। जब 2012 में मैंने काम किया था तब भी मुझे पता था कि पिताजी के होते हुए इतने बड़े राजनीतिक पद पे चुनाव मेरा लड़ना ठीक नहीं है, एक परिवार में 2 टिकटें नहीं जानी चाहिए।
कैलाश विजयवर्गीय के बंटवारे वाले ट्वीट को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी की सोच बंटवारे की सोच है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान और महापुरुष जियो और जीने दो का संदेश देते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ही हाल ही में टिप्पणी की थी कि भारत की जो पुरातन परंपराएं हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव की परंपराएं हैं और जियो और जीने दो की परंपराएं हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान संविधान और महापुरुषों की सोच से अलग है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही बंटवारे का है, घृणा का है, नफरत का है। और मैं मानता हूं कि देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता की बात करता है। देश का संविधान जोड़ने की बात करता है, भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं भी जोड़ने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल ही कहा है चरणचूर्ण जी ने, कि देश की प्राचीन जो इतिहास है वो जियो और जीने दो वाला है। तो मैं मानता हूँ कि ये इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे महापुरुषों की बात, इतने सारे धार्मिक जो परिवार के हमारे आदर्श हैं, उनके विचार, उनके संस्कार से बड़े नहीं है कैलाश। एमपी की सियासत में अब बंदर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तुलना बंदर से की है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि जीतू पटवारी की हालत उस बंदर की तरह हो गई है जो लगातार उछल कूद करता है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। जीतू पटवारी ना तो अपनी कार्यकारिणी गठित कर पा रहा है और ना कांग्रेस के विघटन को रोक पा रहा है। तो वहीं बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार भी किया। जीतू पटवारी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बोलने की बीमारी है, दौड़ने की, कूदने की बीमारी है। जब वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना सके, पहले दूसरे लोगों पे आरोप लगाते थे, ना संगठन में कांग्रेस में एकता ला पाए, उनका वो बंदर जैसा काम है कि इस डाल से उस डाल पे कूद तो रहा हूं, पूरा काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं कि इस डाल से उस डाल पे पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो वो बंदर जैसी मेहनत करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के लिए जिन शब्दों का चयन किया उमाकांत शर्मा जी ने, क्या बीजेपी इससे सहमत है? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को यह शोभा देता है? अरे वीडी शर्मा जी की कार्यकारिणी में 11 महीने लगे थे, हमने तो नहीं कहा था कि वीडी शर्मा जी बंदर जैसे उछल कूद रहे हैं, ना हम कहेंगे, ये शोभा नहीं देता। आप एक जो है समाज में है और आपकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि हो, उमाकांत शर्मा जी को निंदा करनी चाहिए। वो इस तरह के बयान अब तक तो अपनी पार्टी के बारे में देते थे, अगर प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में जो उन्होंने बात कही है उन्होंने इस पर वापस नहीं लिया और बयान और माफ़ी नहीं मांगी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक अपमान जैसा है और अपमान का बदला दोनों उपचुनाव में हम लेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में आज डीजे की तेज आवाज पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिका में निर्धारित सीमा से ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं और 75 डेसिबल की तीव्रता से ज्यादा आवाज को मानव शरीर के लिए घातक बताया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, दे आर स्लीपिंग लाइक अ स्फिंक्स, तो नागरिक जाए तो कहाँ जाए? जब आप टैक्सेशन लेते हो, जब ये राइट टू लाइफ माना जाता है, तो फिर इस पे संज्ञान लेना जरूरी है। तो इसलिए ऑनरेबल डिवीजन बेंच और ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा जी एवं जस्टिस विना सराफ जी, इन्होंने नोटिस जारी किए हैं एवं यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को, इसी तरह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, इसी तरह SP ट्रैफिक को, इसी तरह कलेक्टर को, सबको नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया है कि 4 हफ्ते में जवाब पेश करें। और इसी बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। बलरामपुर में थाने में सुसाइड के बाद बवाल हुआ है, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों का। थाने का घेराव भी यहां पर देखा गया, थाने में हंगामा ये करते नजर आ रहे हैं। थाने में पथराव किया गया है, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। कोतवाली थाने में दरअसल युवक ने फांसी लगा ली थी, स्वास्थ्य विभाग के NHM में कर्मचारी था ये युवक और अब उसके बाद ये हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये बलरामपुर की तस्वीरें जहां पर सुसाइड में थाने के बाद बवाल हो चुका है, गुस्साए परिजन यहां पर थाने में हंगामा करते हुए नजर आए हैं, थाने में पथराव किया है, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ इनके द्वारा की गई है। और ये भी आपको बताएं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। कोतवाली थाने में युवक ने दरअसल फांसी लगा ली थी, उसके बाद से ही
कई सारे गंभीर आरोप परिजन लगा रखे हैं और अब जो है हंगामा उनका देखने को मिला है। बता दें स्वास्थ्य विभाग के NHM में कर्मचारी था ये युवक और थाने में सुसाइड करके इसने अपनी जान दे दी थी, फांसी लगा ली थी और अब जो है परिजन हंगामा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज क्या था मामला, अपडेट क्या है बताइए। जी मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर कोतवाली थाना में आज एक युवक ने फांसी लगाकर थाने के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, जिस बात की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने काफी आक्रोश जताया, पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। वही मामले की जानकारी लगते ही परिजनों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों के द्वारा लगातार थाने में बवाल किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, साक्षी वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस लगातार परिजनों को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन परिजन किसी भी प्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। परिजन लगातार बवाल कर रहे हैं, थाने में जमकर पुलिस को मामले को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस तक भी छोड़ने पड़े हैं। पूरे स्थिति जो है काफी बिगड़ी हुई है, पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में लगी हुई है लेकिन अभी तक स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। परिजन लगातार उसके हत्या का आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि उसकी हत्या की गई है, जिस पर जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर परिजन लगातार बवाल कर रहे हैं। इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में थाने पहुंची हुई है, उनके द्वारा थाने में पथराव किया गया, साथ ही जो थाने की गाड़ी थी उस पर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस लगातार मौके पर डटी हुई है, दल बल के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की स्थिति सुधार में नहीं दिख रही है। जी वाकई तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा ये मामला ठंडा हो जाना। सूरज एक बात और बताइएगा, जानकारी दीजिएगा कि ये जो थाने पहुंचा था युवक जिसे सुसाइड कर लिया है, क्या किसी की फरियाद लेकर पहुंचा था, किसी आरोप में पहुंचा था या क्या मामला क्या था शुरुआत से? जी मैं बता दूं कि इस जो युवक मृतक है उसकी पत्नी कई दिनों से लापता थी। इस संदर्भ में उसने अपने शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, पुलिस लगातार इनसे पूछताछ भी कर रही थी, कुछ पारिवारिक मामले भी इसके सामने थे। इस मामले को लेकर थाने आना जाना उसका लगा रहता था, पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी लेकिन आज क्या हुआ इस बात की जानकारी अभी तक खुलकर सामने नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह बनी है, क्या जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो सही है, ये सब जाँच का विषय है। फिलहाल पुलिस अभी मामले को ठंडा करने में लगी हुई है। जी ऐसा कोई मामला जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि पहले भी कई बार वो जा चुका है फरियाद लेकर के पर शायद सुनी नहीं गई, टॉर्चर उसे किया जा रहा हो या उसकी नहीं सुनी जा रही हो, परेशान होकर उसने ऐसा कदम उठाया हो, ऐसा कुछ सूरज संक्षेप में बताइएगा। परिजन तो आरोप लगा ही रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई है, उसकी हत्या की गई है लेकिन अब कितनी सच्चाई है इसमें तो परिजन का भी आक्रोश है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में भी आक्रोश है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार उसके मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठ गए हैं, टायर डराकर लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सूरज। भोपाल का जिक्र करते हैं, 1814 करोड़ ड्रग्स मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक जयदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जयदीप की गिरफ्तारी भोपाल के JK रोड नावास से हुई है। पुलिस ने उसके फोन को 21 दिन तक सर्विलांस पर रखा था, फोन से पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिली और उसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के सराफा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां से 95 लाख की ड्रग के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 989 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई है। आरोपी राजस्थान के प्रतापगढ़ का है जो कि राजस्थान से ड्रग लाकर इंदौर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। आरोपी से एक ही नाम के 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए। लगभग 1 किलो 990 ग्राम के आसपास मेफेड्रोन MD ड्रग हमने उससे बरामद की है। उसके पास एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, उसको भी हमने पूरा खंगाला क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर केस में होता है कि छुपा के रखते हैं कहीं ना कहीं डिग्गी में या टूल बॉक्स में इधर तो, और उसी जब गाड़ी को हमने सर्च किया तो लगभग 1 किलो 70 ग्राम डोडा चूरा भी उसके पास से बरामद हुआ है। राजधानी भोपाल में बीमा कंपनी की महिला अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला अधिकारी का शव वन कमरे में अर्धनग्न अवस्था में मिला। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। मृतका के मुंह से झाग निकलता रहा। मृतका मूलतः राजगढ़ की रहने वाली है, उसके आधार कार्ड में इंदौर का पता मिला है। मृतका का शव परिजनों के सुपुत्र कर दिया गया है। मृतका निजी कंपनी में जॉब करती थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच भी शुरू कर दी। और
देहाती नालची पर से हमने उसमें मर्ग कायम कर लिया है। मृतका का रूम अंदर से बंद था, मृतका के मुंह से झाग निकल रहा था और उल्टी जैसी दिख रही थी। मृतका आईसीआईसी लुम्बार्ड एक कंपनी है, उसमें जॉब करती थी। मूलतः राजगढ़ की रहने वाली है, लेकिन आधार कार्ड में इंदौर का इनका एड्रेस है। मृतका की बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है और वो लेकर के दाह संस्कार के लिए चले गए। मंदसौर में उज्जैन लोकायुक्त टीम ने ग्राम सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत अजयपुर का रोजगार सहायक राधेश्याम प्रजापत प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त जारी करने की एवज में राजूलाल अहिरवार नाम के शख्स से 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने पहली किस्त 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, जिसकी प्रथम किस्त जारी हो गई थी और इन्होंने निर्माण भी कर लिया था और द्वितीय किस्त जारी होनी थी। इसके लिए इन्होंने जो ग्राम रोजगार सहायक से मिले थे तो 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की इनसे कि हम दूसरी किस्त जारी करा देंगे। तो इस पर से उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को 22/10/2024 को शिकायत की थी, जिस पर से सत्यापन कराया गया और जो रोजगार सहायक हैं राधेश्याम प्रजापत उसकी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कराया गया। उसके द्वारा बोला कि आधे ले आओ 5,000 रुपए, तो आज उसको मौत का पता नहीं है, किसी भी समय आ सकती है, चाहे कोई हंस रहा हो या कोई नाच रहा हो या कोई गा रहा हो या कोई जिम कर रहा हो, लेकिन दिल कब साथ छोड़ दे पता नहीं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे, ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में युवक अपने दोस्तों के साथ जमकर हंस रहा है और दूसरा युवक जमकर डांस कर रहा है, लेकिन दोनों का दिल दगा दे गया और दोनों की मौत हो गई। इंदौर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। यहां पर एक युवती ने साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई करा दी। युवक की भाभी बीच बचाव करने आई तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। युवक ने मारपीट की शिकायत पुलिस से की है। और गुना में उधर आरोन कृषि मंडी में किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई, साथ ही व्यापारियों पर भी हमला किया गया। बता दें कि ट्रैक्टर लगाने को लेकर किसानों के बीच झगड़ा हुआ था, तो वहीं मंडी में जमकर लात घूसे चले, लाठी डंडे चले, गल्ला व्यापारियों ने बीच बचाव कर झगड़ा सुलझाया और फिर आरोन थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। उज्जैन में पुलिस ने पिस्टल लहराकर दहशत फैलाने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, उनका जुलूस निकाला। मामला मक्सी रोड के पवासा क्षेत्र का है, जहां पर 20 अक्टूबर को दो बदमाशों ने पिस्टल लहराते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज बदमाशों का उसी जगह पर जुलूस निकाला गया, जहां पर इन बदमाशों ने पिस्टल लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। और अब बात करते हैं त्योहारों की। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। खाद्य विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है, अलग अलग जिलों में लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है और मिलावटखोरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अपना जो चलने वाली